नमस्कार, राम राम। साथियों, ये जो आज के वीडियो में बताऊंगा कि पालक की खेती कैसे करें और पालक कितने दिनों के बाद में पहली कटाई की जाती है। साथियों, ये आप देख रहे हो वीडियो में, ये दूसरी कटाई हो रही है इस पालक की। इस पालक की खेती 12/9 यानी 12 सितंबर के इनकी छंटाई करके फव्वारा सिंचाई की थी और इनको नमी रखी 10 दिन तक। उनके बाद में दो दो तीन तीन दिनों के गैप से इनको पानी पिलाया है और इस मशीन से काट करके जो अपन नागौर पान मेथी की खेती में मशीन काटने की मशीन होती है, वो उसी मशीन से इसको काट करके ये आप देख रहे हो सुखा दिया है। तो साथियों, ये पालक 3रे दिन सूख जाएगा और सूखने के बाद इकट्ठा करके इनको बेचने के लिए मंडी ले जाया जाएगा। साथियों, इन दिनों इनका भाव 100 से 150 रुपया प्रति किलो के भाव से हिसाब से चल रहा है और ये इनका रेट कभी उतार चढ़ाव भी रहता है, जैसा माल हो उस तरीके से। ये देखो आप, ये पालक की खेती साथियों, यहाँ इनको काटने के बाद में हाथ से पान मेथी की तरह ही यही ये खेती है। जो अब दूसरा तोड़ा 7 दिन के अंतराल से इनका तोड़ा जाएगा और 7-8 तोड़ाई होने के बाद यानी मशीन से कटाई होने के बाद में इनको फूलों के लिए छोड़ दिया जाएगा। फूल आने पे इन पे बीज आएगा और वो बीज की भी इसमें पैदावार होगी। ये साथियों, राजस्थान में नागौर क्षेत्र में ये पालक की खेती हो रही है जो ये आप देख रहे हो। ये पालक सूख रहा है, जो 5 बीघा का ये है जो आप देख रहे हो ये, और सूखने पर सूखा पालक प्रति बीघा में 70 से 80 किलो हो जाता है।